एक अच्छी खबर आपको इस वक्त बताते चले, जम्मू शहर में जो विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, विंटर कार्निवल की तैयारी इस समय जोरों शोरों पर है और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लोकप्रिय बनाने के लिए हर वीक अब कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। बता दें कि आर्टिकल 370 और 35 हटने के बाद नई उड़ान भर रहे जम्मू कश्मीर में अब नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी उभारा जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ इन सीजन में टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने जो फैसला लिया है कि पटनी टॉप की हसीन वादियों में जहां विंटर कार्निवल आयोजित किया जाएगा, अभी कुछ ही महीने में ये विंटर कार्निवल देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो गुमनाम रहते हैं, जो अनछुए रहते हैं, ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी कि फेमस बनाने के लिए हर वीक कोई ना कोई कार्यक्रम टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी, ताकि टूरिस्ट को आकर्षित किया जाए, उनका ध्यान ऐसे स्पॉट्स पर केंद्रित किया जाए। आपको बताते चले कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले टूरिस्ट डिपार्टमेंट जम्मू ने दिसंबर व जनवरी, इन दोनों महीने में अपने कार्यक्रमों को जारी रखने का फैसला किया है और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस व प्रोग्राम्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये जानकारी भी देते चले कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक जिन प्रोग्राम्स को अंतिम रूप दिया गया है, यानी कि जिन कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसमें से जो पटनी टॉप में 3 दिन का विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज होगा वे सबसे ज्यादा मुख्य प्रोग्राम है। और अभी तक फिलहाल इसकी जो डेट्स है वे फाइनलाइज नहीं हुई है, यानी कि तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि बर्फबारी जब पटनी टॉप में देखने को मिलेगी तो उस समय विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस कार्निवल में लोकल आर्टिस्ट के अलावा कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी बुलाए जाने की संभावना है और साथ ही साथ कार्निवल में डोगरी डिशेस के जो स्टॉल्स है वे लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोकल प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी स्टॉल लगाए जाने की योजना बताई जा रही है। और अब आपको ये बता दें कि डिपार्टमेंट की ओर से 27 नवंबर को रंजीत सागर डैम के पट पर पुर्थू में काइट फ्लाइंग यानी कि पतंगबाजी और साथ ही साथ पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। और पुर्थू, जिसको मिनी गोवा भी कहा जाता है, मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध पुर्थू को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग जो है अभी जुटा हुआ है इस चीज में कि मुख्य प्रोग्राम वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके पश्चात विभाग की ओर से 4 दिसंबर को साइकिल रैली भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। जम्मू के सिद्रा स्थित गोल्फ कोर्स से ये जो साइकिल रैली है वे स्टार्ट होगी और सुरेंद्रसर में जाकर समाप्त की जाएगी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अगले सप्ताह से जो यूथ है उनकी रैली में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। तो दर्शकों, ये थी बड़ी खबर आपके लिए कि विंटर्स की बात करें तो विंटर्स बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जम्मू शहर में अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। सबसे मुख्य प्रोग्राम जो होगा वो है विंटर कार्निवल, जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है। 3 दिन का ये कार्निवल आपको बता दें पटनी टॉप में आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इसकी डेट्स फाइनलाइज नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ लोकल आर्टिस्ट आएंगे, डोगरी डिशेस को प्रमोट करने के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 27 नवंबर और 4 दिसंबर ये दोनों डेट्स मत भूले। एक बार फिर बता दें, 27 नवंबर और 4 दिसंबर को भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं जम्मू में। 27 नवंबर को मिनी गोवा, जिसको आप पुर्थू के नाम से जानते हैं, वहां पर एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और साथ ही साथ काइट फ्लाइंग यानी कि पतंगबाजी देखी जाएगी। और 4 दिसंबर को साइकिल रैली देखी जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले हफ्ते से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। ऐसे ही अच्छी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए इजाजत और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस चीज को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। दर्शकों, दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।